बाड़मेर के समदड़ी क्षेत्र के खांडव गांव में बाबा रामदेव मंदिर इस समय आस्था का केंद्र बना हुआ है, जहां बाबा रामदेव के भक्त दर्शन करने उमड़ रहे हैं। हर साल रामदेव मंदिर सेवा परिषद की ओर से एक शाम बाबा रामदेव के नाम विशाल भजन संध्या का आयोजन किया जाता है। इसी पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। ये है बाड़मेर के समदड़ी कस्बे के खांडव गाँव स्थित बाबा रामदेव जी का मंदिर, जहाँ भक्ति का अनूठा रूप देखने को मिलता है। मंदिर परिषद के अध्यक्ष मांगीलाल विनायक ने बताया कि पूर्वजों ने करीब 125 से 130 साल पहले बाबा रामदेव जी का मंदिर निर्माण करवाया था। उस समय हमारा परिवार मंदिर की पूजा अर्चना करता था। उसके पश्चात 2005 में इसका जीर्णोद्धार करवा कर दोनों भाइयों ने भव्य मंदिर बनवाने का निश्चय किया और 2011 में मार्बल और पत्थर से मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवाया, जिसके बाद साल 2013 में बाबा रामदेव जी का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। हर साल हम एक महीने का भंडारा लगाते हैं, जो भाद्रपद शुद्ध बीज से चलता है, मतलब श्रावण शुद्ध बीज से चालू होता है और भाद्रपद शुद्ध बीज तक चलता है वो। और उस समय स्पेशली मैं अपने मतलब मुंबई से यहाँ आता हूँ और एक महीना खुद यहाँ रहकर निजी सेवा उनको देता हूँ। ठीक है, गांव के लोगों का भी सहयोग मुझे मिलता है और मिलता भी उनसे सहयोग काम में, एक महीना उनकी सेवा में हम तत्पर रहते हैं। ये हमारे पूर्वजों ने बनाया था, उसको वापस देवनगर हुआ है 2013 में, प्रतिष्ठा हुई थी। जब से लगातार जागरण होता आ रहे हैं, हमारे बड़े भाई साहब मांगीलाल जी विनायक ने जो कदम उठाए वो सराहनीय है और परिवार में दोनों परिवार मिलकर काम कर रहे हैं। मंदिर में हर साल रामदेव मंदिर सेवा परिषद की ओर से विशाल भजन संध्या का आयोजन किया जाता है। इसी के तहत इस बार भी रामदेव मंदिर में एक शाम बाबा रामदेव के नाम भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस दौरान मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से दुल्हन की तरह सजाया गया। आप देख सकते हैं कि बाबा रामदेव जी का मंदिर रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा रहा है। वहीं भजन संध्या में गायक नरपत देवासी और निकेश मंचला ने सुप्रसिद्ध भजनों की प्रस्तुतियां देकर लोगों का मन मोह लिया। नृत्य कलाकार रमेश वैष्णव ने नृत्य कर भजन संध्या में चार चांद लगा दिए। वहीं भजन संध्या में खांडव सहित आसपास के गांवों से लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। वहीं दूसरी ओर रामदेव मंदिर में सुविधाओं की भी कोई कमी नहीं है। यहाँ हर तरह की सुविधाएं देखने को मिल जाती हैं। श्रद्धालुओं के बैठने की उत्तम व्यवस्था बना रखी है तो वहीं जैन सोशल ग्रुप की ओर से 3 दिवसीय पैदल यात्रा में निःशुल्क दवाइयाँ नींबू पानी उपलब्ध करवाए जाते हैं। राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक निःशुल्क एम्बुलेंस सर्विस सेवा भी यहाँ पर उपलब्ध करवाई है। राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास ही बहुत ही शानदार गार्डन भी बनाया गया है, ताकि मरीजों के साथ आने वाले परिजनों के बैठने के लिए व्यवस्था की जा सके और पेड़ पौधे भी यहां पर लगवा कर तैयार करवाए गए हैं, जिसका उद्घाटन अभी होना बाकी है। गार्डन ये जो हॉस्पिटल के पास में बनाया है, इसको बनाने के पीछे विशेष कारण ये रहा कि वहाँ पर जो भी पेशेंट आते हैं वो सब हॉस्पिटल के बाहर बैठते थे और पेशेंट और पेशेंट के साथ में उनके जो भी मतलब रिलेटिव वगैरह आते थे, तो ऐसे ही एक बार बैठे बैठे मजाक में डॉक्टर साहब ने कह दिया कि मंगलाल जी एक यार बैठने के लिए इनके लिए कुछ स्थान बना दो हॉस्पिटल में, कोई जगह है। मैं बोला ठीक है, अगर आप जगह दे दें तो मैं बना देता हूँ। और इतनी सी वो मजाक मजाक की बात में उन्होंने कह दिया, तो फिर मैंने वहाँ एक मतलब 50x100 का हॉस्पिटल में गार्डन बना दिया और जिसका अभी भी काम चालू है, उसका मुहूर्त भी होना है, उद्घाटन भी होना है उसका। उसमें लगभग 100 से 150 आदमी के मतलब पेशेंट के रिलेटिव के बैठने की व्यवस्था की है, लेकिन पेड़ पौधे भी लगाए हैं और जब तक इसका उद्घाटन होगा तब तक काफ़ी पेड़ पौधे की छाँव में लोगों को बैठने का आनंद भी आएगा। बाबा रामदेव जी का मंदिर जो कि बहुत ही अनोखा है, जहां किसी भी प्रकार की कमी देखने को नहीं मिलती और रामदेव बाबा के भक्त दूर दराज से बाबा के दर्शनों के लिए इस गांव में आते हैं। A1 TV के लिए बाड़मेर के समदड़ी से प्रेम की रिपोर्ट।